वेरिएंट है वो भारत देश के अंदर सदर्न स्टेट की तरफ से बढ़ता हुआ दिख रहा है। दिल्ली के अंदर हमने आरटीपीसीआर टेस्टिंग जो है शुरू कर दी है और लगभग 250 से 400 आरटीपीसीआर टेस्ट हमारे यहाँ रोज हो रहे हैं। कल की रिपोर्ट के अंदर दो पॉजिटिव टेस्ट कोविड के हमारे आए हैं और टोटल नंबर ऑफ पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज हैं वो 4 से 5 हैं। कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है और मैंने अभी भी दोबारा अपने हेल्थ सेक्रेटरी को नोट भेजा है कि रोज़ की जो ये गिनती है वो दें और जो सैंपल्स हमारे पॉजिटिव हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट भी जो है वो रोज़ मुझे भेजें। ये सब जो केसेज हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट जिनकी नहीं आई, ये नॉर्मल कोविड केसेज अभी कह सकते हैं? देखिए, जब तक जीनोम टेस्टिंग की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक तो अभी आप इसको कोविड ही कहेंगे, हो सकता है नया वेरिएंट ही हो। उसे लेकर, क्योंकि अगर ये नया वेरिएंट होता है तो संक्रमण की आशंका होगी, क्या कुछ एहतियात देखिए, बरतना नया चाहिए या फिर वेरिएंट क्या भी है किया तो ये जाए? माइल्ड है, ये तो माइल्ड बता रहे हैं इसको, और इस तरीके से कोई बहुत ज़्यादा खतरे की बात नहीं है, मगर हाँ सावधानी रखने में कोई नुकसान नहीं है। सावधानी रखिए मगर बहुत ज़्यादा घबराइए नहीं, बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए, सावधानी